तो आपने जणावी दी कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक चुकादो पर सुनवाई चाली रही थी समलैंगिक केस पर, जेमां सुप्रीम कोर्टे समलैंगिक लग्ने कायदेकीय मंजूरी की मांग करती अरजी पर पोतानो चुकादो आप्यो छे। सीजीआई जस्टिस डीवाय चंद्रचूड की आगेवानी हेठळनी पांच जजों की बंधारणीय बेंचे 10 दिवस की सुनावणी बाद 11 मेना रोज पोतानो चुकादो अनामत राख्यो हतो। आ साथे ज आजे अरजदारे कह्युं हतुं कि जे निर्णय हशे पण संघर्ष चालू रहेशे। स्पेशल मैरिज एक्ट विविध धर्म अने जातिना लोकोने लग्न करवानी मंजूरी आपवा माटे बनावामां आव्यो हतो। समलैंगिक लग्न माटे तेने रद्द करवानुं खोटुं हशे। जो आ कायदा हेठळ समलैंगिक लग्नने दरज्जो आपवामां आवशे तो तेनी असर अन्य कायदाकीयोने अने अन्य कायदाओने पण थशे। आ तमाम बाबतो पर संसदने ध्यान आपवुं पड़शे। सरकारे आवा संबंधने कानूनने दरज्जो आपवो जोईए जेथी तेमने जरूरी कायदाकीय अधिकारो पण मळी शके। सुनावणी दरमियान सरकारे कैबिनेट सचिव ने अध्यक्षता में आ एक समिति बनावानो प्रस्ताव मुक्यो हतो। समलैंगिक लग्न मुद्दे पर चुकादो संभळावता मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड़े कह्युं कि पोतानी पसंदगीनी व्यक्ति साथ लग्न करवो एको एक पण व्यक्तिनो मूलभूत अधिकार छे। आ साथे ज आर्टिकल 21 हेठळ सन्मान साथे जीवन जीववुं ए पण व्यक्तिनो मूलभूत अधिकार छे। ज्यारे मूलभूत अधिकारना रक्षणनी वात आवे छे तो त्यारे सत्ताना विभाजननो सिद्धांत कोर्टना निर्देशना मार्गमां ना आवी शके। कोर्ट आ मामले कायदो बनावी शकती नहीं परंतु मात्र तेनुं अर्थघटन अने अमल करावी शके छे। I welcome the decision of honorable Supreme Court in which they have not permitted the same sex marriage. Some people try to spoil the atmosphere of Indian system, but I am happy that Supreme Court of India has accepted the version of the Government of India in which it was argued that the court has no power to give this right of same sex marriage. It is the only right of the Indian Parliament. Today it has been accepted by Honorable Supreme Court. To the case, I'll begin by reading out some of our portions. There's a degree of